गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 2 की हिंदी वन पढ़ाने जा रही हूँ। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में पार्ट 1 सीख नामक कविता पढ़ी थी, आज इस वीडियो में मैं आपको पार्ट 2 पंडित भोलानाथ, जो कि एक चित्र कथा के रूप में है, वो पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है, तो कथा कुछ इस प्रकार से है। कहानी, पंडित भोलानाथ बहुत भोले थे, वे छल कपट की बातें नहीं जानते थे। एक बार वह एक यजमान के घर भोजन करने गए। तो क्या था, एक पंडित जी थे, उनका नाम क्या था, भोलानाथ। वे छल कपट की बातें बिल्कुल नहीं जानते थे, वे बहुत ही सीधे और सज्जन थे। ठीक है, एक बार वह एक यजमान, क्या यजमान मीन्स क्या होता है, धार्मिक कार्य करने वाला, जो धर्म का कार्य करता है उसको कहते हैं यजमान। वो अपने घर पूजा पाठ और पंडितों को खाना खिलाते हैं ना जैसे लोग, उसको क्या कहते हैं, यजमान। तो वो क्या था, पंडित जी एक बार यजमान के घर खाना खाने गए। ठीक है, भोजन कराने के बाद यजमान ने दक्षिणा में उन्हें एक बकरी दी। ठीक है, तो भोजन कराने के बाद जो यजमान थे उन्होंने पंडित जी को क्या दी, दक्षिणा। दक्षिणा क्या होता है, बहुत से लोग पैसे देते हैं, खाना देते हैं, कपड़े देते हैं। तो उस यजमान ने पंडित जी को क्या दक्षिणा दी, एक छोटी सी बकरी, मतलब बकरी का बच्चा दिया। ठीक है, तो बकरी देते हुए वह बोले पंडित जी से कि महाराज, इसे स्वीकार कीजिए, यह आपके और आपके बच्चों के काम आएगी। उन्होंने क्या, यजमान ने बोला पंडित जी से कि महाराज, ये बकरी लीजिए, ये आपके बच्चों के और आपके काम आएगी। ठीक, पंडित जी बकरी का बच्चा लेकर अपने घर चल पड़े। थोड़ी देर चलने के बाद उन्होंने सोचा, यह बकरी का बच्चा है, थक गया होगा, है ना। जैसे थोड़ी देर वो बकरी के बच्चे को चला के ले गए, जैसे हम और तुम सोचते हैं ना कि अरे छोटा सा पपी है या छोटा सा बकरी का बच्चा है, लाओ थक गया होगा, है ना। तो वैसे पंडित जी भी सोचने लगे। ऐसा सोचकर बकरी के बच्चे को कंधे पर रख कर पंडित जी आगे चलने लगे। ठीक है, वो क्या किए, वो सोचे कि छोटा सा बकरी का बच्चा है, वो थक गया होगा, उसको अपने कंधे पर रख लिए और क्या हुआ, आगे चलने लगे। उधर से 3 ठग आ रहे थे। ठग मतलब धोखा देकर लूटने वाला। ठग जो कौन होता है, जो धोखा देकर किसी को कोई भी उसका सामान हो, चाहे पैसे हो, चाहे रुपए हो, चाहे कपड़े हो, चाहे कोई सामान हो, उनका लूट लेते हैं धोखा देकर। ठीक है, 3 ठग उधर से आ रहे थे। तीनों ठगों ने आपस में सलाह किया कि चलो पंडित जी को मूर्ख बनाकर धोखा देकर उनको लूटते हैं। ठीक है, कि वो बकरी का बच्चा अपने कंधे पे लिए हुए थे। उनमें से एक ठग पंडित जी के पास आकर बोला कि राम राम पंडित जी। तीनों ठगों ने आपस में योजना बनाई कि मिलकर उनको लूटते हैं। तो पहले एक ठग आगे आया, पंडित जी के पास, बोला कि चल राम राम पंडित जी, अरे ये कुत्ते का बच्चा अपने कंधे पर लिए कहाँ जा रहे हैं। तो पंडित जी थोड़े से वो सरप्राइज, आश्चर्य हुए, ये तो बकरी का बच्चा है, इस कुत्ते का क्यों बोल रहा है, अरे ये तो बकरी का बच्चा है, तुम कुत्ता इसे क्यों बोल रहे हो। तो कहे, अरे पंडित जी, ये तो कुत्ते का बच्चा है, आप बकरी का क्यों बोल रहे हैं। यह लेकिन उसकी बात पंडित जी ने ध्यान नहीं दिया और आगे फिर चलते बने। अब क्या था, जो दूसरा ठग था, वो थोड़ी दूर चलने के बाद पंडित जी को दूसरा ठग मिला। उस ठग ने पंडित जी से बोला, अरे पंडित जी, ये कुत्ते का बच्चा आप कंधे पर रख के कहाँ जा रहे हैं। फिर पंडित जी को थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि एक ने बोला कुत्ते का बच्चा, अब ये फिर बोल रहा है कि कुत्ते का बच्चा। कह, नहीं नहीं ये तो बकरी का बच्चा है। तो वो बोला, अरे पंडित जी, ये कुत्ते का बच्चा है। तो फिर उसकी भी बात को पंडित जी ने ध्यान नहीं दिया और आगे चलते चल दिए बकरी के बच्चे को लाद के। फिर थोड़ी दूर चलने के बाद उसे कौन मिला, वो तीसरा ठग। ठीक है, उन तीनों ने योजना बनाई थी ना, योजना किसी काम को करने का विचार। ठीक है, उन तीनों ने योजना बनाई, तीसरा ठग मिला। तीसरे ठग ने पंडित जी से बोला, महाराज ये कुत्ते का बच्चा आप कंधे पर कहाँ लिए चले जा रहे हैं, ये आपके पूरे शरीर को अपवित्र कर देगा, गंदा कर देगा, चलिए जाइए पहले नहा के आइए। तो पंडित जी को फिर एकदम विश्वास हो गया कि ये क्या वास्तव में कुत्ते का ही बच्चा है, यजमान ने मुझे धोखा तो नहीं दिया, कि एक बोलेगा बकरी का बच्चा, कुत्ते का बच्चा है, दो बोलेगा कुत्ते का बच्चा, तीसरा भी बोल रहा है। अब पंडित जी को पूरा विश्वास हो गया कि यह शायद कुत्ते का ही बच्चा है। वो क्या किए, उस बकरी के बच्चे को कंधे से उतारे और वहीं पे छोड़ के सीधा कहाँ गए, यजमान के घर। अब वो बकरी का बच्चा तो तीनों ठग लेके वहां से भागे, वो पंडित जी कहाँ गए, यजमान के घर। यजमान से बोले जाके पंडित जी कि अरे
भाई क्या तुमने मुझे कुत्ते का बच्चा दे दिया है? तुमने तो कहा था कि ये बकरी का बच्चा है। तो यजमान बोले कि आप क्या हुआ, पहले पूरी मुझे पूरी बात बताइए। तो पंडित जी ने क्या किया कि पूरी अपनी कहानी सुनाई कि ऐसे रास्ते में ऐसे ऐसे तीन लोग मुझे मिले और ऐसे बोल रहे थे कुत्ते का बच्चा, तो मैं वहीं पे रख के उसको चला आया। तो यजमान बोले, अरे पंडित जी, आपको तीनों ने मिलकर ठग लिया है, आपको तीनों ने मिलकर मूर्ख बना दिया है, आप क्यों उनकी बात को माने? यह एक बकरी का बच्चा है पंडित जी, आप बहुत ही भोले, आपको किसी दूसरे की बात में नहीं आना चाहिए। अब पंडित जी सिर पटक के रोने लगे। तो इस कहानी से बच्चे क्या शिक्षा मिलती है बच्चों हमें, कि हमें दूसरों की बात में नहीं आना चाहिए, हमें अपने बुद्धि से काम लेना चाहिए। मतलब सुनो सबकी, करो अपने मन की, पहले देख लेना चाहिए कि क्या ये सही कह रहा है या गलत कह रहा है। पहले अपनी दिमाग अपनी बुद्धि का यू इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं, वो जो कह रहा है वो गलत है, ठीक है। इसलिए हमको हमेशा सोच समझकर कोई भी कार्य करना चाहिए और दूसरों की बातों में कभी नहीं आना चाहिए। आशा है बच्चों आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।